लेकिन बैड लक के साथ शुरुआत होती है, वो तुम लोग अगले ब्लॉग में देखोगे। इसका जो कंटिन्यू एपिसोड आएगा, हमजा है, कामिल है और दानिश है। गाड़ी का टायर पंचर हो गया, देखिए हवा पूरी निकल गई। देख ना, अच्छा मूड था मेरा आज शोरूम का वीडियो बनाने, कैसे कैसे करके पहुंच गए। आज हम लोग का अनलक्की डे है बॉस, सॉरी अब क्या कर सकते हैं। तो ये रही हमारी न्यू बाइक, हायाबुसा, हार्ली डेविडसन, डुकाटी, ट्रायम, कावासाकी, Z800, Z600, Z1200। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। और यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है सेकंड व्लॉग। हम लोग जा रहे हैं बाइक का शोरूम में, तुम लोगों को मैंने बताया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है हम लोग यहाँ तक कैसा है घर से, तो वो देख लो। और अभी निकल रहे हैं शोरूम के लिए, याद से पहला एपिसोड देखो, हाँ फिर ये सेकंड देखना, तो थोड़ा और इन्जॉय होगी तुम लोगों को। ज्वाला जगा अंदर, किस बात से है तंग, दुनिया से नहीं खुद से है तेरी जंग। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर हम लोग का पेट्रोल खत्म होता है, फिर हम लोग जो है पेट्रोल भराते हैं। वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं ये अलग से शॉट ले रहा हूँ ताकि मैं ब्लॉग में जो जो चीज़ आप लोगों को नहीं बता पाया वो अभी बता दूँ। ऑलराइट, तो हम लोग एक्टिवा में पेट्रोल भराने के लिए आए, और ये एंटी कमजा हम लोग को मेरे को बुला रहे है। तू बुला रहा क्यों पहले, वो मेरे को वो बोलेगा? नहीं 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 बोलने का ना, हंसता देखना कैसे है, इधर देख। अबे सीरियस हो गया, सीरियस हो गया। जो तुम लोग ने देखे थे ना वो डॉकयार्ड रोड का था, और अभी जो तुम लोग मस्जिद देखे वो डोंगरी की है। बॉस यहाँ की ट्रैफिक और यहाँ के लोग, सही मकाम पर पहुंच चुके हैं। ये सही मकाम नहीं, ये गलत मकाम था। एपिसोड वन में आप लोगों ने देखे रहेंगे, सबसे पहली जो बैड लक थी हम लोग की वो ये थी कि हम लोग का टायर पंचर हो गया था, और सेकंड बैड लक की शुरुआत यहाँ से होती है, इसलिए मैंने ये बोला कि ये सही मकाम नहीं, ये गलत मकाम था। हमजा, हम जा रहे हैं शॉप में, तो पहले मेरा हेयर वेयर थोड़ी कर ले मेरी केयर। तो हम प्यारी सी शॉप में एंट्री मार रहे हैं। भाई वो किधर गया कामिल, अंदर चले भी क्या? शॉप में गई नहीं, सामने ही तुम लोग देख लो अभी ये हाल है। क्या बात है, अरे शॉप में इसीलिए नहीं गए, हुआ ये कि हम लोग का यहाँ से कंफर्म हो चुका था कि हम लोग शोरूम में जाने वाले हैं, अंदर जाके व्लॉग करने वाले हैं, सब बात हो चुकी थी। लेकिन जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो उन लोग बोल रहे थे कि व्लॉगर्स लोग को जो है पैसा देना पड़ता है अगर आप लोग शॉप का रिव्यू करना चाहते हैं। ये मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना था कि शॉप वाले पैसा लेते हैं व्लॉगर से, जहाँ तक मुझे मालूम है आई थिंक व्लॉगर्स लोग पैसा लेते हैं प्रमोशन करने का। चलो वो सब दूर रखते हैं, लेकिन हम लोग की बात यहाँ पर हुई थी कि हम लोग वीडियो अंदर बनाएंगे, लेकिन वहाँ जाके कैंसिल हो जाता है, और वीडियो बनाने के लिए भी चार्जेस लग रहे थे 50 से 60 हज़ार। तो हम लोग ने वो टाइम कैंसिल कर दिए, क्योंकि डेफिनेटली कैंसिल करना ही था हम लोग को। लेकिन फिर 5-10 मिनट वहाँ पर थोड़ी बहुत बात किए, पॉसिबल हो सकता था तो उतनी ट्राई करें हम लोग ने, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर मैंने बाहर का बनाया, वो इंट्रूडर ले, वो इंट्रूडर वो भी लिया ना भाई, उसमें उसमें डाल दे, ट्विन इंजन की इंट्रूडर है। तूने बोल दिया बस ना, इसलिए दिखा दिया। तो ये रही हमारी न्यू बाइक, अरे ये तो कुछ नहीं, मैंने R15 भी ले लिया मालूम क्या। Oh
वो अंदर जाके आए, मेरे को बता क्या कौन कौन सी बाइक थी अंदर। हायाबुसा हायाबुसा हार्ली डेविडसन डुकाटी ट्रायम्फ और मेन कावासाकी Z800 Z600 Z1200 और मेन है कावासाकी H2। एटलीस्ट 15 से 20 बाइक रहेगी ना अंदर, 20 से 30 बाइक। अरे बाहा, हम लोग आए हैं खाने के लिए। क्या ले रहे हैं? ये हमजा क्या ले रहे हैं? आ जा के मेरे को डाल और कुछ मत बोल। क्या ले रहे तुम लोग? क्या कर रहे हो? हटाओ हटाओ, हरकत कर रहा, खान दे रहे। बाप रे, बाल की हालत देखो। चलो ना भाई, इतनी सुकून इत्मीनान से हम लोग भूखे गए थे होटल में खाना खाने। भाई दो मिनट शांत रहना। इतनी सुकून बोलने देता, ए रुक तू रुक। इतनी सुकून से इत्मीनान से हम लोग होटल में गए खाना खाने और देखो क्या किया, पूरा गीला बैक कैमरे का गीला, पूरी पानी गिरा दिया इसने। और हाँ, 240 रुपये बिल हुआ, 40 रुपये उसमें से पानी गिराने का था। अब पहली जो बैड लक थी वो तुम लोगों को पता है, टायर पंचर हुआ। सेकंड बैड लक ये थी कि हम लोग को शोरूम में जाने नहीं मिला। थर्ड बैड लक ये थी कि हम लोग जो होटल में खाना खाने बैठे तो कामिल के हाथ से पानी गिर गया, जो कि मेरे कैमरे के बैग पे गिरा पूरा। अच्छा हुआ कैमरा मैंने फ़ौरन उठा लिया, वरना कैमरे की तो बैंड बच जाती थी वो टाइम। तो बच गए हम लोग और कपड़े गीले हुए थे बस, और क्या, लेकिन कैमरा बच गया। बैग मेरा पूरा गीला है, इसमें सामान निकाल के मैंने डिग्गी में रख लिया। अब जा रहे हैं घर को। ये टाइम मुंबई में ट्रैफिक देखो। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, कौन सी जगह कुछ मालूम रहता है क्या? कहीं भी रुका के बोलते हैं एंड कर वीडियो। बस गाँव डॉग जो भी है, मसगाँव डॉग। अरे कौन सा भी डॉग हो रहे मेरे को क्या करने का है? अभी हम लोग बहुत थक गए, मैं जाता हूँ घर पे, वहाँ डायरेक्ट बात करेंगे, अभी स्टोरी क्रिएट करने का है। बाय। तो मैं आ गया हूँ घर पे और अभी मैं आप लोग को जो जो बताने वाला हूँ वो गौर से सुनना। अभी आया हूँ घर पे मतलब अभी मैं अगले दिन वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा बोलना पड़ता है। तो हुआ ये कि हम लोग जब आ रहे थे और मैंने अच्छा हुआ कैमरा डिग्गी में डाल दिया, वरना शायद मेरा हाथ से कैमरा गिर गया होता वो टाइम। वो मेरी नसीब थी, ऊपर वाले का करम था, मैंने अच्छे से फिट बिठा दिया था डिग्गी में कैमरा। और जब हम लोग आ रहे थे स्पीड में तो वो टाइम क्या हुआ कि एक गड्ढा आ गया, और देखो कैसे ही मतलब हाईवे है हमारे यहाँ कि जो गड्ढा था उसमें से हम लोग की गाड़ी ज़ोर से ऐसा निकली स्पीड में, और आई थिंक कुछ 60-70 की स्पीड पे होगी गाड़ी। और जब गाड़ी स्पीड में निकली उसमें से तो चलो हम लोग को तो थोड़ा बहुत मतलब झटका पड़ा और हम लोग तो बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हुआ ये कि गाड़ी के आगे का कुछ हिस्सा निकल गया। अब वो हिस्सा जो निकला है वो तो अगर तुम लोग को देखने का है वो थोड़ा फटके वाला है, वो तुम लोग को मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसका एपिसोड 3 आने वाला है। एपिसोड घसीट रहा हूँ मैं, स्टोरी बना रहा हूँ, देखो तुम लोग को भी अच्छा लगेगा। तो बस गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है। गाड़ी का हाल देखने के लिए एपिसोड 3 आज से देखना, जल्दी आने वाला है, कल या परसों आ जाएगा। मिलते हैं अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऐसी सपोर्ट बनाए रखो, मज़ा आएगा। सच बताओ वो टाइम पेट और पीठ पूरा जाम हो गए थे जब हम लोग निकले।